आज किस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे वंडरफुल अमेजिंग नॉनस्टॉप रैंडम फैक्ट्स, इनको जानने के बाद आप भी बोलोगे वाह भाई क्या फैक्ट थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अमेरिका की जो कंपनी है नासा स्पेस रिसर्च वाली, उसने जब पहली बार चांद पर आदमी भेजा तो उसमें 10 साल का समय लिया था, और उतना ही समय अमेरिका ने स्ट्राइक की ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए तब लिया था, 10 साल का समय, और उन दोनों मिशंस में सेम रुपए खर्च हुए थे $100 बिलियन। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो पबजी होता है ना, उसमें विनर विनर चिकन डिनर ही क्यों लिखाता है, मतलब कुछ और क्यों नहीं लिखाता, जैसे कि दाल बाटी डिनर, जलेबी डिनर, समोसा डिनर, रसगुल्ला डिनर। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो आइडिया है ना, वो जो 19th सेंचुरी थी उसमें एक जुआ खेला जाता था गेम, जब कोई ज़्यादा पैसा बना लेता था अपना तो उसमें लोग उसको विनर विनर चिकन डिनर कहते थे, और इसी आइडिया से जिसने पबजी बनाया है उसने विनर विनर चिकन डिनर उसमें लिखा है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान नया पेन खरीदता है तो 95%, मतलब अगर 100 लोगों ने खरीदा है वो पेन, तो उसमें से 95% उस पेन की चेकिंग के लिए कि वो चलता है या नहीं या फिर वो कैसा चलता है, उसके लिए पहले अपना नाम लिखते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के अंदर जो डिफरेंस है, वो तो भाई वो पहले खेले हुए हैं और वो बाद में खेल रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने दोनों ने 28 दिसंबर को, लेकिन उसमें साल अलग थी, 1999 थी जब सचिन तेंदुलकर ने और 2014 थी तो विराट कोहली ने अपने 19th पारी में 1000 रन पूरे किए थे, और उसी के 15 साल बाद विराट कोहली ने भी किए हैं, और वही 5वें टेस्ट में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 19वीं पारी में 1000 रन किए थे, और उस टाइम उन दोनों की उम्र थी 26 साल। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने चेहरे पर ये वाइट वाइट जो क्रीम होती है ये क्यों लगाते हैं? तो मैं बता देता हूँ, ये इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वे जब दिन में टेस्ट मैच खेलते हैं तो लगभग 8 घंटे खेलना पड़ता है, और उनको यूवी किरण के संपर्क में आएंगे तो उनकी त्वचा जो है ना वो खराब हो सकती है, और उसी के लिए वो ये क्रीम लगाते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको जो इमेज में जो दिख रही है ना मछलियाँ, ये बताओ कि कौन सी मछली ने किसको खाया है? क्या इस वाली मछली ने इसको खाया है या फिर इस वाली मछली ने इसको खाया है? आपको बड़ी तो ये वाली दिख रही है और छोटी ये वाली दिख रही है, लेकिन जो ये वाली मछली है इसका नाम है ब्लैक स्वेलर, और ये इकलौती ऐसी मछली है दुनिया में जो अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन वाली मछली को निगल जाती है, और इसने इस वाली मछली को भी निगला हुआ है, और मज़े की बात ये है ना कि ये मर चुकी है। बस यार आज किस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटा ज़रूर दबा लेना, और कमेंट करके बताना कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।